बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की टीम अब लोगों को समझाइश देने के लिए सुबह हो रात हो एक्टिव नजर आ रही है। डिप्टी कलेक्टर कुमार शानू सुबह से ही आज मंडी पहुंच गए और आरटीओ बस स्टैंड पहुंच गए, बसों के अंदर पहुंच गए। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे उन्हें मास्क पहनने की समझाइश दी गई, कुछ चालान भी बनाए। इमलीपुरा में भी पुलिस की टीम ने चालान बनाए। आपको बता दें कि लगातार खंडवा में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और शहर गाँव सभी को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में प्रशासन की टीम अब पिछले दो दिन से सख्त नज़र आ रही है और लगातार कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। बसों के यात्रियों को मास्क पहनकर घर से निकलने की समझाइश दी गई और बस के संचालकों को भी समझाइश दी गई। कंडक्टर क्लीनर को भी बताया गया कि बिना मास्क के सवारियों को ना भरें, ऐसे में फिर चालानी कार्रवाई होगी जिसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। कुल मिलाकर इस समय खंडवा में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन अब खंडवा शहर और गाँव की रोड पर निकलने लगा है। हम दोबारा आपसे अपील करेंगे, 5 से 10 रुपए का मास्क आता है ब्लू वाला, जो नीले रंग का मास्क कॉमन है जो बहुत ज़्यादा लोग पहनते हैं, वो सस्ता मास्क है और कम से कम वो तो लिया जा सकता है। जब आप अकेले में हो तो उसे पॉकेट में रख लो, जेब में रख लो, और जब भीड़ भाड़ में जा रहे हो या बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, उसे लगा लो। कोरोना से बचाव भी हो जाएगा और आपको इस समय जो चालानी कार्रवाई हो रही है उसको लेकर परेशानी भी नहीं होगी। ऐसे लोग विशेष तौर पर प्रशासन की जल्दी नज़र में आ जाते हैं जो बिना मास्क के चल रहे होते हैं, इसलिए इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए, कोरोना बीमारी से बचने के लिए हम भी आपसे अपील करते हैं और बार बार ये अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाना शुरू कर दो जब तक ये बीमारी पूरे तरीके से बाय बाय नहीं करती। हम पिछले 2 साल से कुछ लोगों को देख रहे हैं कोरोना की बीमारी के, खंडवा की देसी भाषा में कहें, नाटक ख़त्म होने के बावजूद भी उन्होंने मास्क लगाना नहीं छोड़ा और ऐसे लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आ रही। जो लोग मास्क लगा कर निकल रहे हैं तो आप भी मास्क लगाएं और भीड़भाड़ में जाने से बचें और अपना ध्यान रखें।